नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। महिला के साथ दुष्कर्म, थाने में कार्रवाई ना होने पर महिला पहुंची एसपी ऑफिस। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना क्षेत्र कुरावली का है। महिला के साथ दबंग द्वारा दुष्कर्म किया गया। जब महिला शाम 7 बजे शौच के लिए गई थी तो घात लगाकर बैठे भीमसेन उर्फ करुण निवासी ग्राम सिरसा ने बदनियत से महिला को पकड़ लिया। उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया तथा जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि यदि किसी को कुछ भी बताया तो उसको और उसके परिवार को जान से मार देंगे। उक्त घटना की रिपोर्ट लिखाने जब महिला थाना कोतवाली पहुंची तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और ना ही कोई कार्रवाई की गई, बल्कि उसे वहां से भगा दिया गया। पीड़िता न्याय की मांग के लिए पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर अपने दर्जन भर परिवारजनों के साथ शिकायती पत्र लेकर पहुंची। उसने न्याय दिलाने की मांग करते हुए भीमसेन दुष्कर्मी पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। इस पर परिवारजनों ने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। रोहित कुमार, रोहित क्या मामला है आज यहाँ एसपी ऑफिस आए हो? एसपी आए हैं, ये मेरी मामी है। इनका रेप किया है। वो 28 तारीख को शाम को गई थी लैटिंग करने, शौच करने गई थी। तो ये लौट के, मतलब टाइम हो गया था, मामा से बोला मैंने कि मामा मामी बहुत देर होगी, बिट्टी रो रही है, बुला के लेके आओ। कितना टाइम हो गया, इतना टाइम लैटिंग करने में लगता है। तो मामा गए एक बार गए थे, तो फिर एक बार वापस फिर आए, फोन लगाया, मैंने कहा फोन लेके जाओ, कोई बात हो तो। फोन लेके गए थे तो फिर वापस आए, इन्होंने बोला जी मामी और मामा अपने रूम में गए, हम बड़ी मामी के पास थे, लड़का खिला रहे थे, रोटी बना रही थी। मामी आई, रोने लगी, तो मैंने कहा क्या बात होगी, मामा ने मारा है क्या? नहीं। मामी बोली कि नहीं तो मारा नहीं है। तो इन्होंने मतलब उस गांव के शख्स का नाम लिया जिसने इनके साथ गलत काम किए हैं, तो बताया है कि वो ऐसा ऐसा नाम है। तो ये बड़ी मामी बेहोश हो गई है कि नहीं, वो बहुत हरामी आदमी है, उसके पास मतलब इसे मार दिया उसे मार दिया, 2 साल मतलब जेल जाता है, 2 साल में मतलब छुटा आता है, महीने खंड में छुटा आता है, आते ही उसे मार देता है, जिसके मतलब पहला कुछ गलत काम किए हैं जिसके साथ उसे मार देता है। पहले उसका आपराधिक इतिहास 302 का मुकदमा भी लिखा है, बता रहे हैं। हाँ, थाने गए थे, बहुत से थाने गए थे, थाने में वहाँ क्या हुआ? थाने गए थे, थाने में कुछ नहीं, रिपोर्ट लिखी, एप्लीकेशन दिया, वहाँ से गए, गांव छानबीन किए हैं। कुछ लोग बता, लेडीजें बता नहीं, बहुत अच्छा आदमी है, कुछ लोग कह रहे हैं खराब आदमी है। फिर अब क्या चाह रहे हो अभी? क्या ये तमंचे के नोक? वो मामी को पकड़ लिया है, लेटिंग करने गई थी, तमंचा लगाया था, अगर ये बोला कि अगर भागी तो मैं गोली मार दूंगा, अगर किसी को गांव में बताया, किसी शख्स को बताया तो मैं गोली मार, उसे भी मार दूंगा, तेरी वाली बच्चों को मार दूंगा, ये धमकी दे दी। हाँ, ये धमकी दे दी। ठीक, तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।